हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में, बौद्ध शिक्षा। इससे पहले हमने वैदिक एजुकेशन के बारे में पूरा डिस्कस किया है। तो जो स्टूडेंट भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कैंपस के लिए हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो के लिंक प्रोवाइड की जाती है और जितने भी एजुकेशनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी हम वहीं पर शेयर करते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉल या मैसेज करके पीयू सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विहारों में चलने वाली शिक्षा से है। तो बौद्ध शिक्षा जो होती थी वो कहाँ पर होती थी? बौद्ध मठों में होती थी या फिर विहार में होती थी। बौद्ध मठ में होती थी और कहाँ होती थी? विहार में चलने वाली जो शिक्षा होती थी उसको हम बौद्ध शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही बोध है, तथा वास्तव में यही बौद्ध दर्शन की शिक्षा है। बोला गया है कि जो जीवन है उसमें क्या है? दुख ही दुख है। अगर आपने उस दुख को समझ लिया और उसको दूर करने के उपाय खोज लिए तो वही क्या है? आपकी बौद्ध शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा दुखों का ज्ञान कराती है व दुखों को दूर करने का अष्टांगिक मार्ग दिखाती है। बोला गया है बौद्ध शिक्षा में कि जो शिक्षा है वो क्या करती है? पहले तो जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। और जो शिक्षा है वो दुखों का ज्ञान कराती है। पहले हमें दुखों का ज्ञान होता है, फिर हम उसको समझते हैं, फिर हम उसका उपाय ढूंढते हैं। और अगर हमने दुखों को दूर करने का उपाय ढूंढ लिया तो हम बोलते हैं कि हमें अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति कैसे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। तो ये सभी में बोला गया है, हमारी जो वैदिक शिक्षा थी उसमें भी बोला गया था कि अगर आपको आत्मबोध या आत्मज्ञान हो गया है तो वही आपके लिए शिक्षा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी व शिक्षण अवधि भी 6 वर्ष थी। इसकी व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। यह शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक चलती है। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू होती है? 6 ईयर्स से शुरू होती है और 12 ईयर्स तक चलती है। मगर जो हमारी वैदिक शिक्षा थी वहाँ पर 5 ईयर्स से शुरू होती थी हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, और उसको हम क्या बोलते थे? विद्या आरंभ। यानी विद्या का जब आरंभ होता है तब वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की आयु में कोई बच्चे का एडमिशन होता था प्राथमिक शिक्षा में। मगर जो हमारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसमें जो आयु वर्ग है वो क्या है? 6 वर्ष। और कब तक ये चलेगी? 12 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च शिक्षा। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 20-25 वर्ष तक चलती थी। तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी वो 6 वर्ष से शुरू होती थी और 12 वर्ष पर ख़त्म होती थी। जो उच्च शिक्षा थी वो 12 वर्ष से शुरू होकर 20 या 25 वर्ष तक चलती थी। इसके कुछ शुल्क भी लिया जाता था। अब जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आपसे कुछ शुल्क भी लिया जाता था। इसके पश्चात कुछ छात्र गृहस्थ जीवन में चले जाते थे और कुछ इच्छुक छात्र आगे की शिक्षा लेते थे। अब कुछ छात्र क्या करते थे? जितनी उनको शिक्षा लेनी थी उतनी वो प्राप्त करके अपना विवाहित जीवन या गृहस्थ जीवन को आगे चलाते थे, और कुछ स्टूडेंट क्या होते थे? वो विवाह ना करके अपनी शिक्षा को ही आगे बढ़ाते थे और आत्मबोध पाने की कोशिश करते थे। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 3 चीज़ें बोली गई थी। एक है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। अब भिक्षु शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में लगना चाहते हैं उन्हें उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है। अब होता क्या था? उपसंपदा एक संस्कार होता था। जो स्टूडेंट भिक्षु शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान देना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार होता था और उन्हें फिर भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, यह शिक्षा 8 वर्ष की आयु की होती थी। इसके बाद वे भिक्षु कहलाते थे व धर्म का प्रचार प्रसार व शिक्षण कार्य करते थे।
जो भिक्षु शिक्षा थी वो कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की, यानी कि आपको 8 वर्ष तक वहाँ पर रह करके उसकी शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। उसके बाद आपको भिक्षु कहलाने के योग्य आप बन जाते थे। फिर उसमें आप धर्म का, जो बौद्ध धर्म है, उसका प्रचार प्रसार शिक्षण कार्य ये सभी आप करने के लिए उपयुक्त होते थे। तो पहला क्या है, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आपकी शिक्षा चलती थी। फिर उच्च शिक्षा, जिसमें 12 वर्ष से लेकर 20 या 25 वर्ष तक शिक्षा चलती थी। फिर आता है भिक्षु शिक्षा, जो कि 8 वर्ष तक चलती थी, यानी कि 8 वर्षों तक आपको उसकी शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति हेतु संघ में प्रविष्ट होता था तो मठ या विहार के शिक्षक भिक्षु उसका पबजा संस्कार करते थे। जो भी जो बच्चा था वो जब अपने घर से आता था तो उसका एक संस्कार होता था, उसको बोलते हैं पबजा संस्कार। यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या होता था, पबजा संस्कार। जो वैदिक था उसमें क्या होता था, उपनयन संस्कार। ठीक है, इस संस्कार के दौरान शिक्षक शिष्य से 3 वचन लेते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 क्या होते थे, उनके वचन होते थे जो एक शिक्षक अपने स्टूडेंट से लेते थे। और कौन सा संस्कार होता था, पबजा संस्कार। बौद्ध धर्म में हमारा पबजा संस्कार होता है और जो वैदिक एजुकेशन है उसमें उपनयन संस्कार होता था। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 वचनों के बाद उसे 10 नियमों से अवगत कराया जाता था। जब क्या होता था, ये 3 नियम वो देख लेता था, उसके बाद उसको 10 नियमों से भी अवगत कराया जाता था। पबजा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। तो जब एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का जब पबजा संस्कार हो जाता था तो उसको क्या बोलते थे, सामनेर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार उपसंपदा था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। जो पबजा संस्कार है वो किसके लिए है, प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, और जो एक संस्कार था उपसंपदा संस्कार, ये उच्च शिक्षा के लिए होता था। अगर आप उच्च शिक्षा में प्रवेश चाहते हैं तो आपका एक संस्कार होता था जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं। उपसंपदा के समय भिक्षु को 4 व्रत धारण करने होते थे। इसमें क्या था, 3 वचन आपको लेने होते थे जब आपका पबजा संस्कार होता है, और जब उपसंपदा संस्कार होता है तो उसमें आपको 4 व्रत धारण करने होते थे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखने की, जब प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो पबजा संस्कार हो रहा है, और जब उच्च शिक्षा में एडमिशन ले रहा है तो उपसंपदा संस्कार हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ, कि जो हमारी बौद्ध शिक्षा थी वहाँ पे कौन कौन से शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले व्याख्या विधि यानी लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाता था। अनुकरण विधि, अनुकरण का मतलब होता है कि अगर जो हमारे टीचर हैं उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हम उसका अगर दोहराव करते हैं तो उसको हम अनुकरण विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों का, प्रश्न पूछे जाते थे, जो टीचर थे वो बच्चों से प्रश्न पूछते थे और वो उनका आंसर करते थे। वाद विवाद विधि, भ्रमण विधि, भ्रमण विधि क्या होती थी, आपको घुमाया जाता था, आपको घूम घूम के बोलते थे कि आप सीखिए, अगर जितना आप भ्रमण करेंगे उतना आप लोगों के बारे में जानेंगे, उतना आप बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो वहाँ पर यह भी बताया जाता था कि आपको अपने मन से अपने हिसाब से कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है। व्याख्यान विधि, तो ये सभी शिक्षण विधियाँ थी जो कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसके कौन कौन से केंद्र थे, कहाँ कहाँ पर उसकी शिक्षा दी जाती थी। फर्स्ट है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नादिया, मिथिला, उदंतपुरी और जगदला। यहाँ पर क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे और यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आते थे। तो इन सभी का नाम आपको याद करना है। तो आज हमने बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।